ब्राउजर में किसी पासवर्ड को सेव करना काफ़ी सिंपल है। बस किसी अकाउंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सिंपली हम ब्राउजर में उस पासवर्ड को सेव करके रख देते हैं, ताकि हमें उस पासवर्ड को याद रखने की जरूरत ना पड़े और जब भी हमें जरूरत होगी उस पासवर्ड की हम ब्राउजर में जाके देख लेंगे। लेकिन ब्राउजर में पासवर्ड सेव करके रखना और कागज़ पर आपके सभी अकाउंट के पासवर्ड लिख के उस कागज़ को अपने ही कंप्यूटर में चिपका के रखना एक ही बात है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपको ब्राउजर में पासवर्ड को कभी भी सेव नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते हो तो आपको इससे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे से जरूर करना। सो गाइस, उन रीजंस के बारे में जानने से पहले ब्राउजर क्या होता है आपको जान लेना चाहिए। सो बेसिकली ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हो। मतलब कि आपको अगर किसी टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ब्राउजर में जाके सर्च करते हो। लेकिन आजकल ब्राउजर्स में ऑटोफिल एंड सेव पासवर्ड का फीचर भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल तो है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने इन्फॉर्मेशन लाए आपके अकाउंट के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इन सभी को रिस्क में डाल रहे हो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई पासवर्ड मैनेजर नहीं है जिसमें कि आप अपने सभी अकाउंट के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेव रख के सिक्योर फील कर रहे हो, तो आप गलत हो। शायद गूगल क्रोम, ओपेरा या फिर फायरफॉक्स वगैरह यूज करते हो, इन सभी में सेव पासवर्ड एंड ऑटोफिल का फीचर है, और आप में से बहुत सारे लोग इन फीचर्स का यूज़ करते ही है। क्योंकि पासवर्ड को याद रखना और बार बार टाइप करना कोई पसंद नहीं करता, इसके बजाय सेव करके रखना काफ़ी ईजी है, ताकि जब भी हमें पासवर्ड की जरूरत होगी ब्राउजर ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। और सच बताओ तो मैं भी ऐसा ही करता था, लेकिन आजकल मैं ब्राउजर में कभी भी पासवर्ड को सेव नहीं करता इन रीजंस के कारण। रीजन नंबर 1, एनीवन कैन इजीली व्यू योर सेव पासवर्ड्स। अगर आप एक क्रोम यूजर हो तो आप क्रोम के सेटिंग में जाके उन पासवर्ड को देख सकते हैं। हालांकि क्रोम में एक फीचर अच्छा दिया गया है, आपको पासवर्ड को एक्सेस करने से पहले आपके कंप्यूटर का पासवर्ड वहाँ पर देना पड़ेगा, तभी आप पासवर्ड को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पर मोबाइल का पासवर्ड आपके अलावा भी और कोई जानता है तो वो भी इजीली आपके पासवर्ड को एक्सेस कर पाएगा। इसके अलावा और एक इजी मेथड है जिसके जरिए कोई भी आपके पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है, एंड वो है इंस्पेक्ट मेथड। माउस में राइट क्लिक करने पर यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्लिक करने पर आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बहुत सारे कोड्स दिखेंगे, एंड यहाँ आपको टाइप पासवर्ड में डबल क्लिक करना है एंड पासवर्ड को वर्ड से रिप्लेस करके एंटर प्रेस कर देना है और पासवर्ड रिवील हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी आपके पासवर्ड को इजीली एक्सेस कर सकता है। रीजन नंबर 2, मान लीजिए अगर आपका कंप्यूटर या फिर मोबाइल कभी चोरी हो जाता है और जिसने भी आपका फोन चुराया होगा वो अगर आपके फोन के पासवर्ड को क्रैक कर लेता है तो आपके सभी सेव पासवर्ड, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड डिटेल्स, इन सभी को आसानी से एक्सेस कर पाएगा, और इससे आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। रीजन नंबर 3, अगर आपका कंप्यूटर या फिर मोबाइल कभी हैक हो जाए तो ऐसे में हैकर आपके इन्फॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस करके उनका मिसयूज भी कर सकता है, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ और कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ऐसे केसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं, एंड इसलिए मैंने हैकिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है जहाँ पे मैंने अलग अलग हैकिंग टेक्निक्स के बारे में बताया है, लगे हैकर कैसे आपके फ़ोन को हैक कर सकता है एंड आप कैसे अपने फ़ोन को सेफ रख सकते हो हैकर से। सारी कुछ साइंस भी मैंने बताया जो आपको आपके फ़ोन के साथ दिखेगा अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए तो। सो वीडियो अगर नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर देखना, उस वीडियो को आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। रीजन नंबर 4, अगर आपने ब्राउजर में पासवर्ड को सेव करके रखा है तो इसका मतलब है आपने उन पासवर्ड को बहुत दिनों से टाइप नहीं किया है एंड शायद आप पासवर्ड को भूल भी चुके हैं। हालांकि फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आजकल हमें मिल जाता है जिसके मदद से हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, बट कभी कभी आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है पासवर्ड को रीसेट करने में। तो इसीलिए बेहतर यही कि आप पासवर्ड को हो सके तो याद ही रखें या फिर एक पासवर्ड मैनेजर का यूज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पासवर्ड मैनेजर क्या है नहीं जानते तो मैं उसके बारे में भी वीडियो में बताऊँगा, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो मैंने आपको सारे रीजंस बताए कि क्यों आपको ब्राउजर में पासवर्ड को सेव नहीं करना चाहिए। तो अभी उन पासवर्ड को हम कहाँ रखें ताकि वो सेव रहे, और अगर हमारा फ़ोन हैक या फिर कभी चोरी भी हो जाए तो भी उन पासवर्ड को कोई एक्सेस नहीं कर पाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करना। सो बेसिकली पासवर्ड मैनेजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र्स को अलाउ करते हैं उनके लॉग इन क्रेडेंशियल्स को सिक्योरली स्टोर रखने में। साथ ही एक पासवर्ड मैनेजर आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड जनरेट करने में भी हेल्प करता है। तो अगर आप क्रोम या फिर जो वेब ब्राउजर यूज़ करते हैं उसमें पासवर्ड सेव करने के बजाय आप एक पासवर्ड मैनेजर में उनके एनक्रिप्टेड डाटाबेस में अपने सभी पासवर्ड को सेव रख सकते हो। सो अभी बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर आपको ऑनलाइन गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, और उनमें से कुछ फ्री हैं, कुछ प्रीमियम हैं। तो अगर आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है और आप ऑनलाइन बहुत सारे वेब एक्टिविटीज़ करते हो, देन आप प्रीमियम पासवर्ड मैनेजर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल कुछ सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड सेफ रखना चाहते हो तो फ्री पासवर्ड मैनेजर के साथ भी जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको प्रीमियम पासवर्ड मैनेजर ही लेना होगा, फ्री वर्जन में भी आपको वही सिक्योरिटी मिलेगी जो आपको प्रीमियम वर्जन खरीदने पर मिलता है। फर्क इतना है कि फ्री वर्जन में लिमिटेड फीचर से एक्सेस कर पाएंगे, लिमिटेड पासवर्ड स्टोर कर पाएंगे। अब मैं जो पासवर्ड मैनेजर यूज़ करता हूँ उसका नाम है NordPass। ये पासवर्ड मैनेजर फ्री एंड प्रीमियम दोनों वर्जन में अवेलेबल है। फिलहाल मैं इसका फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत नहीं है। सो इसे आपको इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको मास्टर पासवर्ड सेट करना होगा, जिसके जरिए ही आप अपने सभी स्टोर्ड पासवर्ड को एक्सेस कर सकेंगे।
मास्टर पासवर्ड रखने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐड आइटम एंड इंपोर्ट का। ऐड आइटम में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 5 ऑप्शन मिल जाएंगे, पासवर्ड, सिक्योर नोट, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड फोल्डर का। पासवर्ड में जाके आप अपने सभी अकाउंट के पासवर्ड इंडिविजुअली यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सिक्योर नोट में आप नोट्स वगैरह सेव कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड ऑप्शन में जाके आप अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स सेव रख सकते हो। ठीक उसी तरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हो। एंड फोल्डर्स में आप अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करके पासवर्ड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसके बाद अगर आप इंपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कई सारे ब्राउजर्स दिखेंगे। सो जो ब्राउज़र आप यूज़ करते हो एंड जिसमें आपने पासवर्ड को सेव करके रखा है उसमें से डायरेक्टली पासवर्ड को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। सो इंपोर्ट करने के बाद आपके सभी पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। सो आप क्रोम में से पासवर्ड को डिलीट कर सकते हो। अभी यहाँ पे नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, ब्राउज, टूल्स एंड मेनू का। ब्राउज में अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप पासवर्ड, नोट्स एंड जो जो डाटा आपने स्टोर करके रखा है उनको देख सकते हैं। टूल्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको पासवर्ड जनरेटर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो 3 ऑप्शन है इनको फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ऑन कर देना है, लाइक टर्न ऑन ऑटोफिल को। सो इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड को फिल कर देगा जिन साइज का आपने पासवर्ड सेव करके रखा है। इसके बाद सिक्योरिटी में आप अपने मास्टर पासवर्ड को अगर बदलना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। गेट रिकवरी कोड पे अगर क्लिक करोगे तो आपको एक कोड मिलेगा जिसके मदद से आप इसमें लॉग इन हो पाएंगे इनकेस अगर आप मास्टर पासवर्ड भूल जाए तो। मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी आप ऑन कर सकते हो एंड यहाँ से आप बायोमेट्रिक को भी ऑन कर सकते हो अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो। सो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पासवर्ड मैनेजर है, मैं बहुत दिनों से इसी को यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप भी नोटपास को यूज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यही था आज की वीडियो एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। सो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोज आगे भी देख रहने के लिए।